गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अवर चैप्टर नंबर 3, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब लेट्स बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इट। सो फर्स्ट बिफोर यू रीड, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक, क्या आपने कोई ऐसी कॉमिक बुक पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक में स्टोरीज होती हैं जो कि मेनली किसके थ्रू होती हैं? पिक्चर्स के थ्रू। गोपाल एंड द हिल्सा फिश ये अपना चैप्टर है। So let's study this. It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. ये Hilsa fish का season था। Fisherman किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच पा सकते थे, केवल Hilsa fish के, क्योंकि ये season Hilsa fish का था। यानी इस time fisherman Hilsa fish के ही बारे में सोचते थे। Fishermongers sold nothing but Hilsa fish. Fishermongers यानी जो फिश बेचने वाले होते हैं वो केवल और कुछ नहीं बल्कि Hilsa fish ही बेच रहे थे। Come buy, the price of Hilsa is down today. आओ और Hilsa को ख़रीदो, Hilsa जो फिश है उसे ख़रीदो, क्योंकि Hilsa fish का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है आज। Householders could talk of nothing but Hilsa fish. Householders यानी घर के जो गृहस्थ जो होल्डर्स थे वो कुछ नहीं बात नहीं करते थे, बस केवल किसके बारे में बात करते थे? Hilsa fish के बारे में। यानी कि वो सीज़न Hilsa fish का था और सभी Hilsa fish के बारे में ही, घर में बाहर Hilsa fish की ही बातें होती थी। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट Hilsa, आप कितने रुपए दोगे Hilsa fish, यानी सॉरी कितने में Hilsa fish दोगे? यू वुडन बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। अब ये बेचने वाला ये कह रहा है कि आपको बिलीव नहीं होगा अगर मैं आपको बताऊँगा। And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but Hilsa fish. और palace मानी महल में भी courtiers जो दरबारी होते थे वो भी केवल एक ही चीज़ की बातें करते थे, केवल Hilsa fish की। Your majesty, you should have seen the huge Hilsa I caught, it was. Your majesty यानी कि your majesty means होता है महाराज। You should have सीन द ह्यूज Hilsa आई कॉट, तुमने देखा होगा, आपने देखा होगा उस Hilsa को, Hilsa fish को, बड़ी सी Hilsa fish को जो मैंने यहाँ पकड़ी थी। इट वॉज, क्या ये थी? स्टॉप इट, अब किंग क्या कहता है? स्टॉप इट, चुप हो जाओ, रुको। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन, क्या तुम दरबारी हो या फिशरमैन हो, मछुआरे हो, जो मुझसे Hilsa fish के बारे में पूछ रहे हो? अब लिसन डियर स्टूडेंट्स, यानी कि सब जगह जब Hilsa fish के बारे में बातें होती थी तो राजा को बहुत ही गुस्सा आया, तो उसने अपने एक इंसान जिसने पूछा था कि क्या आपने मेरी बड़ी सी Hilsa fish को क्या आपने देखा है कि कैसी थी ये, तो राजा को गुस्सा आता है, वो चिल्लाता है क्या तुम कोई मछुआरे हो या फिर कोर्टियार हो, दरबारी हो? द कोर्टियार फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। आपको दरबारी जिसने ये पूछा था कि क्या आपने मेरी बड़ी सी Hilsa fish को देखा है महाराज, तो किंग तो उसकी आंखें नीचे शर्म से झुक गई, वो साइलेंट हो गया। किंग को भी बहुत ही गिल्टी फील हुई कि उसने बहुत ही बिना बात में उसे डांटा है। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर Hilsa fish एंड नो वन। मुझे अब राजा को भी बहुत सॉरी फील हुआ, उसने बोला कि मैंने अपना आपा खो दिया था, सॉरी, अब तो ये तो सीज़न ही है Hilsa fish का और किसी का नहीं। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट Hilsa fish, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। यहाँ तक कि नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन, ये बोल रहे हैं कि गोपाल भी रोक नहीं सकता फ्रॉम टॉकिंग अबाउट Hilsa fish के बारे में, बात करने से गोपाल भी नहीं रोक सकता सभी, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के लिए गोपाल भी Hilsa fish के बारे में बात करने से रोक नहीं सकता। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, अब गोपाल चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, कि मैं लोगों को रोक सकता हूँ 5 मिनट्स के लिए कि वो Hilsa fish को भूल जाएं और केवल और ही बात करें। तो किंग और गोपाल के बीच में चैलेंज होता है, किंग अपना चैलेंज देता है और गोपाल चैलेंज एक्सेप्ट करता है, जो गोपाल उसका कोर्टियर होता है, दरबारी। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज Hilsa एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो ठीक है, अब किंग ने उसको एक गोपाल को एक चैलेंज दिया कि लेट मी सी यू बाय, अब मुझे एक तो Hilsa fish ला के दिखाओ और उस Hilsa fish को राज महल में लेके आओ
ब्रिंग इट टू द पैलेस में लेके आओ, महल में लेके आओ, विदाउट एनी वन आस्किंग योर वर्ड अबाउट इट, और ऐसा बिना कोई तुमसे उसके बारे में नहीं पूछे ऐसा करके दिखाओ कि यानी कि जब तुम हिल्सा फिश को लेके आओगे, पहले तो तुम हिल्सा फिश को लेके आओ महल में और ऐसा करके दिखाओ कि तुमसे कोई भी हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ महाराज। आप गोपाल जो कोर्टियर है, जो दरबारी है, उसने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज, कि ये चैलेंज था कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करे, और चैलेंज एक्सेप्ट करता है। अ फ्यू डेज लेटर, व्हाई इज योर फिश हाफ शेवन। अब कुछ दिन बाद उसकी वाइफ पूछती है गोपाल की कि तुम अपने फेस पे हाफ शेवन मानिए ना, आधी दाढ़ी क्यों बना रखी है तुमने, आधी शेव क्यों कर रखी है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं एक फिश खरीदने के लिए ड्रेसअप कर रहा हूँ, यानी कि मैं तैयार हो रहा हूँ फिश खरीदने के लिए। व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विद एश, क्या बात है, क्या हो गया तुम्हें। उसकी वाइफ पूछती है कि तुम अपने आप मुंह पर राख क्यों मल रहे हो। पहले तो वो अपनी शेविंग आधी कर लेता है, आधी शेविंग यू कैन सी इन दिस पिक, शेव भी आधी बनाता है और आधी फिर वो उस जो फिर अपने मुंह पर क्या लगा लेता है, राख, जो ऐश होता है राख। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें बताया था मैं हिल्सा फिश को ड्रेस, यानी कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए अपनी ड्रेसअप बना रहा हूँ, यानी कि हिल्सा फिश खरीदने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, अपनी वेशभूषा बना रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, वॉट आर यू अप टू। लिसन, यानी वाइफ कह रही है कि सुनो मेरी बात, गोपाल से कह रही है कि तुम इस तरह से बाहर नहीं जा सकते, इस तरह के ड्रेसिंग सेंस जो तुमने बनाया है उसमें। वॉट आर यू अप टू, अब तुम क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो तुम। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं बड़ी सी हिल्सा फिश को खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इट इज हैपन टू हिम, ही हैज गॉन मैड, क्या हो गया है इन्हें, ये तो पूरे पागल हो गए हैं। ही हैज गॉन मैड, इसकी वाइफ ने उनसे कहा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी इट्स रिमेनिंग पार्ट। सो फर्स्ट आई टेल यू बिफोर दिस दैट किंग ने एक चैलेंज दिया कि सारे गांव में एक हिल्सा फिश के बारे में बातें होती रहती थी, और मुझे ये और गोपाल एक्सेप्ट करता है कि मैं हिल्सा फिश भी लेके आऊँगा और कोई हिल्सा फिश के बारे में बात भी नहीं करेगा, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है गोपाल, और बाद में क्या होता है वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।